Be honest with yourself. That is primary condition. In every video I say it. Be honest with yourself. If you are honest with yourself, believe me, you will grow every time. Hello everyone. ये video मैं यहीं पूछूंगा कैसे यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग? आप कैसे बता पाओगे मुझे? मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं? क्या इस time आपके दिमाग में चल रहा है? सारे नीट स्पुरट के साथ क्या हो रहा है बट मेरे साथ थोड़ा बुरा हो रहा है वो इसलिए क्योंकि आ, मैंने रिसेंटली पता किया तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर चले गए हैं इनो जो देहरादून में रहकर तैयारी कर रहे थे कोचिंग पढ़ रहे थे वो अपने घर चले गए कुछ को तो बच्चे घर चले गए सोचे कि अब आखिरी के हम घर पे पढ़ेंगे अब मुझे थोड़ा सा इससे दिक्कत होती है मेरा मानना है कि जब बच्चा आस रहता है ना तो एक मॉरली वो स्ट्रॉन्ग पोजिशन में रहता है कि कभी कोई दिक्कत हो तो मैं पूछ लूंगा या पूछ लूंगी जाके टेस्ट फिजिकल फॉर्म में एकदम भीड़ में आके वो बच्चा देता है एंड दैट इज़ रियली गुड जब आप टेस्ट को भीड़ में आके देते हो ना क्लास में बैठ के देते हो तो आपको लगता है कि आप रियल में नीट पेपर दे रहे हो अब घर पे आप प्रिंट आउट लोगे क्योंकि मैं तो ग्रुप में भेज दूंगा प्रिंट आउट लोगे पेपर दोगे तो नेचुरली उसमें रिलैक्सेशन हो जाता दिमाग का कि अभी थोड़ी देर में दे देते हैं चलो दो दो तीस पर शुरू किया तो पाँच तीस तक पेपर होगा एंड फाइव फिफ्टी तक बीस मिनट और मन के चलते हैं या किसी ने चार बजे स्टार्ट कर लिया किसी ने उसको रात में सोचा अब रात में दे देते हैं तो वो डिसिप्लिन नहीं आती और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करता है तो जितने भी सारे स्टूडेंट अपने तैयारी कर रहे हैं मेक स्योर sure कि इस टाइम कोशिश करें कि इधर उधर स्विचिंग ना करें और आप अपनी तैयारी को यू नो टीचर के साथ रह के करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है आप कोचिंग में कहीं भी पढ़ रहे हैं कोचिंग में जाके अपनी स्टडी रूटीन को दो तीन घंटा ज़रूर दें उस बेंच पे हर दिन दो तीन घंटा बैठें क्योंकि एग्जाम में भी आपको बेंच मिलने वाला और शायद वो इससे भी ख़राब बेंच कभी कभी निकल आता है तो वो तीन घंटा साढ़े तीन घंटे की आपकी सेटिंग हैबिट बनी रहनी चाहिए और ये जो निगेटिविटी आ रही है इसमें बहुत सारे वीडियोज़ बना रहा हूँ कल परसों तरसों ये जितने भी वीडियोज़ हैं बड़े इफेक्टिव हैं प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा सेल्फ़ बिलीव पे था कि आखिरी में क्या कर सकते हो इस पर था और ये वीडियोस मुझे लगता है बहुत लोगों तक अभी पहुंची नहीं कई कई बार आप पूरे साल अच्छी मेहनत करते हो लास्ट के कुछ स्टेप से आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है तो ये आपके साथ ना हो ये बहुत ज़रूरी है कई बार बच्चे आ, की तैयारी बढ़िया नहीं होता उनको लगता है सिलेक्शन नहीं होगा तो वो कुछ कुछ यू नो जो हल्की फुल्की जो घटनाएँ होती हैं उनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट यू नो दे हैव एटलीस्ट वन एक्सक्यूज़ बिहाइंड दैट कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके पीछे ये कारण हो गया तो अभी वो रीजन नहीं है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ दैट इज़ प्राइमरी कंडीशन इन एवरी वीडियो आई से इट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ बिलीव मी यू विल ग्रो एवरी टाइम वेदर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट और नॉट ये मैटर नहीं करेगा लेटर और सूनर आपके पेरेंट को आपका टैलेंट पता चलेगा और वो पेरेंट है उनको धोखा देने की कोशिश मत करना उनको पता चलेगा आपका टैलेंट क्या है अगर आपने कुछ भी उसका एक्सक्यूज़ दे दिया कि इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इस वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे वो ठीक नहीं होगा आप आपको बहुत विश्वास करते हैं आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अभी बेस्ट से बेस्ट निकालते रहिए निकालते रहिए निकालते रहिए आखिरी मोमेंट तक आप कोशिश करिए सिलेक्शन होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है आप दुनिया अट्ठा पचास हज़ार बच्चों से तो नहीं चलती है तो आपको ये बात नहीं सोचना चाहिए अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप वीक हो जाते हो आप कमज़ोर हो जाते हो ऐसा नहीं है आपका बेस्ट आना चाहिए हर दिन आप बेस्ट देते रहो देते रहो ये मुझे मेरे लिए ज़रूरी है तो इसलिए आप लोग प्लीज़ प्रयास करिए छोड़िए मत कुछ एक्सक्यूज़ मत तलाशिए देखो बुरा लग सकता है मेरी बात एक्सक्यूज़ बोलता रहता हूँ कईयों को लगता नहीं यार एक्सक्यूज़ नहीं है लेकिन हाँ वो कोई भी रीज़न जो सफलता को आपको ना होने का एक कारण बनती है वो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सक्यूज़ होता है फेलियर होता है हमारा मेरे साथ भी हो सकता है और आपके साथ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो बस इतना ही वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर ऑफ़ योर